गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और गोल्डी लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। गाइस, आज मैं आपको कृष्ण की नगरी मथुरा लेके चल रही हूं और वहां पे आज हम दर्शन करेंगे भगवान जी के। मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी कि हमारा जो मथुरा का मंदिर है वो कैसा है, और ये जो ट्रैवल हमारा होगा, ये जो ट्रिप होगा, ये बहुत ही अमेजिंग सा होगा। तो आइए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक इसे जरूर दीजिएगा, और गाइस वीडियो पसंद आने पर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, मैं लिफ्ट में हूँ और जल्दी से मैं पार्किंग प्लेस में जा रही हूँ ताकि हम जल्दी से मंदिर जा सके। सो गाइज, मैं घर से निकल चुकी हूँ और इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, और लगता है कि मुझे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी मॉर्निंग के सिर्फ 6 बजे हैं। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करिए तो मास्क वेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कोविड से हमें बचना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। और मैं आपको दिखाऊँगी कि इस टाइम क्या चल रहा है मंदिर में, डिस्टेंस का पालन हो रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से हम मथुरा पहुँचते हैं। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग के 6:45 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो सूरज है आसमान पे एकदम अच्छे से चमक रहा है, और लगता है मुझे पहुँचते पहुँचते 10 से 11 तो बज ही जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और जल्द से हम पहुँचते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा, और हम जाएंगे यमुना वृंदावन होते हुए। सो फाइनली गाइज, हम कृष्ण की नगरी मथुरा में एंटर कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इसे सुना है, मैंने देखा नहीं है, और आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो फाइनली गाइज, हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्रेम मंदिर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। तो चलिए हम जल्दी से एंटर करते हैं, मैं काफ़ी दूर हूं तो जल्दी से हम एंटर करेंगे, और जो अंदर का जो नज़ारा है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा जो मोमेंट है, वो हम कैप्चर करेंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि प्रेम मंदिर के बाहर जो गार्ड्स हैं वो भी कोविड का पालन कर रहे हैं, जो पब्लिक अंदर जा रही है उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस समय हमें डिस्टेंस बनाना है, थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है, थोड़ा सा मास्क वेयर करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है। तो चलिए मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। सो फाइनली गाइज, मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूं, और सबसे पहली बात ये है कि मंदिर में अंदर एंटर करते ही आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। और मैं आपको चारों तरफ का अगर नज़ारा दिखाऊं तो आपको सबसे ज़्यादा हरियाली दिखेगी, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि हम मथुरा के प्रेम मंदिर में पहुँच चुके हैं, और कितना अमेजिंग सा यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
गाइस प्रेम मंदिर के पास तो मैं हूँ, लेकिन प्रेम मंदिर के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी फोटोज क्लिक करना अलाउड नहीं है, वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। गाइस मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मंदिर के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मंदिर के अंदर जाने के लिए। और जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते जाएंगे, आपको बहुत ही सुंदर सी जो कृष्ण भगवान के भजन है वो आपको सुनाए देंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मंदिर के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाऊं। और गाइस जब भी आप यहां पे आइए, आप ठंडियों में आइएगा क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ठंडियों में बेस्ट टाइम है। आप थोड़ा सा वक्त भी बिता सकते हैं, आपको सुकून भी मिलेगा और सबको मज़ा भी आएगा। तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आइए। जैसे जैसे आप प्रेम मंदिर के पास पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि मंदिर और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। सो गाइज मैं मंदिर के अंदर एंटर तो कर रही हूँ और मैं चुपके से वीडियो भी बना रही हूँ, जो कि गलत बात है क्योंकि जो चीज़ मना है उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था मैं कोशिश करूँगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि कोशिश भी सबकी फ़ेल हो जाती है। जो गार्ड्स हैं वो मना कर देते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं, बट कोई बात नहीं गाइस, आप यहाँ पे खुद आइए, दर्शन करिए, भगवान जी के पास आइए, आपको बहुत ज़्यादा और वो सुकून आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकता है। तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे। सो गाइस कोशिश करने के बाद थोड़ा सा मैंने मोमेंट कैप्चर किया था मंदिर के अंदर का और वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद तो उन लोगों ने मना ही कर दिया मुझे, बट कोई बात नहीं, एक बार आप ज़रूर आइए, खुद आइए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान की हर एक एक लीला दिखेगी जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो गाइज़ इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपको कृष्ण भगवान के एकदम पुराने मंदिर में ले चलूँगी जो बहुत सालों पुराना है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो देखते हैं कि इस कोविड के टाइम वहाँ पे भीड़ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कृष्ण भगवान के पुराने मंदिर पे दर्शन करने आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे ना तो कोई मास्क लगाया है ना तो डिस्टेंस का पालन है, बट अपनी सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ आपको यहाँ का मूवमेंट और मंदिर दिखा पाऊँगी। और मंदिर में भी अगर फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करने देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखा दूँगी। कृष्ण भगवान के इस पुराने मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि भगवान जी के दर्शन हो जाए मुझे। तो गाइस मंदिर के अंदर का मोमेंट मैंने बहुत कोशिश की आपको दिखाने के लिए, बट जितना हो पाया मैंने पूरी कोशिश की। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।